आप ही गया है, आप ही गया है, चार लोग हमारे आंख के सामने आपको नहीं पकड़ रहे हैं, जो पैसा दे सकता है उन्हीं को पकड़ रहे हैं, शक्ल देख के पकड़ रहे हैं क्या? है ऐसे खर्चा निकलेगा, हेलमेट पहन के चल रहा है, सब चीज ठंडा वंडा का समय है, अपने सब बच करके चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी कुछ नहीं है, अगर हेलमेट लगा के चले और सुरक्षित चले तो इसमें क्या असुविधा है? इतना सारा लोग तो आ रहे हैं जा रहे हैं तो सुरक्षित कहाँ है? सारा दिन कहे नहीं रोज चेकिंग होता है, रोज पर डे इतना सारा गाड़ी जा रहा है। आप NH पे लगाइए तो फिर ठीक रहेगा, यहाँ पे तो लोकल में तो हम लोग तो ऐसे ही निकलेंगे ही, फैमिली के संग जा रहा है, यहाँ पे लफुआ गिरी थोड़ी कर रहा है कि आदमी गाड़ी ऐसे चला रहा है बिना हेलमेट के चला रहा है। एक तो बिना हेलमेट के चला है तो उसका पूरा चेकिंग कर दे, पूरा सब चीज कर दे, बिना हेलमेट के चले उसका चेकिंग नहीं हो, उन्हें मनसा क्या है आपका? बिल्कुल नहीं, वो बात हम नहीं करें, आपका भी मनसा हम सरकार तक रखेंगे। पुलिस का टारगेट और गवर्नमेंट का टारगेट अपनी जेब भरने में, जब ठीक है लॉ एंड ऑर्डर आपको बनाना है, बिहार की अच्छी करना हर चीज, सड़क क्यों नहीं आपका अच्छा है, सड़क पे गड्ढा है, बेवजह जाम लगी रहती है, उसको क्यों नहीं आप हटवाते हैं, स्कूल में क्यों नहीं जाते, स्कूल में डेली चेकिंग करवाइए, सिर्फ पकड़ने के लिए, स्कूल में बच्चों का शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है उसमें चेकिंग करवाइए, अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया जा रहा, लेकिन सरकार का टारगेट है अपना जेब भरना। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स। मैं अभी गांधी मैदान यानी कि कारगिल चौक के पास हूँ और यहाँ पर देखिए जम कर चेकिंग चल रही है नए साल पर। जी हाँ, नए साल पर लोग घूमने निकलते हैं घरों से, लेकिन आज जो चेकिंग चल रही है आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि एक गाड़ी को रोका गया है, यहाँ दो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं और पूछताछ कर रहे हैं, मतलब जम कर चेकिंग चल रही है। किस चीज़ की चेकिंग चल रही है सर यहाँ पे अभी? अभी हेलमेट और सीट बेल्ट, और हम लोग को यही हम लोग चाह रहे हैं कि जनता सुरक्षित चले, दोनों व्यक्ति जो हैं बाइक पर अगर बैठे हैं दो व्यक्ति तो दोनों हेलमेट लगा के चले, डबल हेलमेट जी जी जी, और फोर व्हीलर से चल रहे हैं तो ड्राइवर के बगल में जो हैं वो सीट बेल्ट लगा के चले, जिससे कि सुरक्षित चले। हम लोग को यही मनसा है कि हमारे बिहार के नागरिक सुरक्षित ढंग से यात्रा करें। लेकिन ज्यादा भीड़ दिख रही है आज, ज्यादा गाड़ी भी रुक रही है आज, लोग लापरवाह हो गए हैं या चेकिंग ज्यादा हो रही है? नहीं, चेकिंग तो ज्यादा नहीं, हम लोग तो ये रूटीन वर्क है जी। कोई ऐसा नहीं कि ज्यादा हो गया, रूटीन वर्क हम लोग का है जी। हम लोग तो हर वक्त जनता के सेवा में रहते हैं जी। और उनको सतर्क करते हैं जी। चेकिंग नहीं कहिए इसको, कह सकते हैं कि सतर्कता अभियान कह सकते हैं। अच्छा। कि जनता को हम लोग सतर्क करते रहते हैं बार बार कि आप हेलमेट लगा के चलिए, सीट बेल्ट लगा के चलिए। आज गाड़ियों की भीड़ सर बहुत ज्यादा, देखिए मेरे पीछे भी एक और लड़के पकड़ाए हैं, मतलब गाड़ियों की भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पे, क्या बात है आज? नहीं ऐसा नहीं है, ये आम दिनों की तरह आज भी है, आज लोग लगता है ज्यादा निकले हैं, निकले हैं जी जी जी। हाँ, और बिना अच्छा मास्क की भी क्या चेकिंग की जा रही है? नहीं, हम लोग मास्क के लिए भी अलर्ट कराते हैं कि मास्क लगा के रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। फाइन किसके लिए कट रही है? डबल हेलमेट हुआ, सीट बेल्ट हुआ, यही। मास्क के लिए भी? मास्क के लिए हम लोग आगाह कर देते हैं, उसका भी ₹50 फाइन है। ₹50 जी जी। सुबह से कोई मास्क के लिए भी फाइन? नहीं, मास्क के लिए नहीं कटा, नहीं कटा, बस डबल हेलमेट के जी जी जी। और यहाँ लगभग आज देख सकते हैं आपके मेरे पीछे बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वकील खान। तो भैया आप तो हेलमेट लगाए हुए हैं, सब कुछ है, फिर क्यों पकड़ा गया आपको? डबल हेलमेट के कारण पकड़ा गया। अच्छा, किसी के साथ थे आप? जी जी। डबल हेलमेट जी। आज 1 जनवरी ना है। हाँ। कैसे खर्चा निकलेगा? अच्छा, खर्चा निकालने के लिए चेकिंग तो और क्या, इतना तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि जिसके चलते आदमी परेशान हो जी। हेलमेट पहन के चल रहा है, सब चीज ठंडा वंडा का समय है, अपने सब बच करके चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी कुछ नहीं है, अगर हेलमेट लगा के चले और सुरक्षित चले तो इसमें क्या असुविधा है? सुरक्षित तो रोज चलता है, इतना सारा लोग तो आ रहे हैं जा रहे हैं तो सुरक्षित कहाँ है? सारा दिन कहे नहीं रोज चेकिंग होता है, रोज पर डे इतना सारा गाड़ी जा रहा है, रोज चेकिंग नहीं होता है। लोकल में लगाया जाता है, आप NH पे लगाइए तो फिर ठीक रहेगा, यहाँ पे तो लोकल में तो हम लोग तो ऐसे ही निकलेंगे ही। गलत काम तो है, गया है उनको पकड़िए ना, सिर्फ हम ही लोगों को क्यों? जो पैसा दे सकता है उन्हीं को पकड़ रहे हैं, शक्ल देख के पकड़ रहे हैं क्या? आप ही गया है, आप ही गया है, चार लोग हमारे आंख के सामने आपको नहीं पकड़ रहे हैं। जब काम गलत कर रहे हैं, गलत काम करते हैं, और वो आगे भी चेकिंग देख रहे हैं।
कहाँ पकड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ मुठ का बेकार का बात होता है, परेशान करने के लिए सब खुले से खुद आ रहे हैं, कहीं पे कोई ऐसा चेकिंग नहीं है, तो यही हरदम यहीं पे होता है। ठीक है, हम बाकरगंज में हम खुद रहते थे उस टाइम से, मतलब हरदम यहीं पे लगाया जाता है। राजा बाजार से आए अभी तक कहीं कोई चेकिंग नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, बिना हेलमेट काम पहुँचाएंगे अपने घर तक। ठीक है, बात है, बेकार का बहुत गलत बात है, जब परेशान करने के लिए है पब्लिक को, यहाँ पर फैमिली के संग जा रहा है, यहाँ पे लफुआ गिरी थोड़ी कर रहा है कि आदमी गाड़ी ऐसे चला रहा है बिना हेलमेट के चला रहा है। एक तो बिना हेलमेट के चला है तो उसका पूरा चेकिंग कर दे, पूरा सब चीज कर दे, बिना हेलमेट के चले उसका चेकिंग नहीं हो, नहीं मनसा क्या है आपका? बिल्कुल हो, हाँ फैमिली के साथ जा रहा है, लफुआ नहीं, नहीं वो बात हम नहीं करें, आपका भी मनसा हम सरकार तक रखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नहीं बोलते कि अगर आप पटना में रहते हैं, पटना में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है किस कदर बेवजह लोगों को परेशान करती है। पुलिस का टारगेट और गवर्नमेंट का टारगेट अपनी जेब भरने में है। जब ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर आपको, लॉ एंड ऑर्डर आपको बनाना है, बिहार की अच्छी करना हर चीज़, सड़क क्यों नहीं आपका अच्छा है, सड़क पर गड्ढा है, बेवजह जाम लगी रहती है, उसको क्यों नहीं आप हटवाते हैं, स्कूल में क्यों नहीं जाते, स्कूल में डेली चेकिंग करवाइए, सिर्फ पकड़ने के लिए, स्कूल में बच्चों का शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है उसमें चेकिंग करवाइए, अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया जा रहा, लेकिन सरकार का टारगेट है अपना जेब भरना, बस टारगेट बना लिया है, ये लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है कि बस आम जनता का जो है पैसा अपने पैकेट में डालना है, बस हो गया और कुछ भी नहीं है। सड़क का कितना बुरा हाल है, स्कूल का क्या हाल है, शिक्षा, शिक्षा जो कि सबसे अव्वल अव्वल चीज है उसका क्या हाल है, उस पे ध्यान नहीं देना है इनको, जहाँ से पैसा आएगा बस मरा हुआ है उसका पैसा जी जी नोच ले, मुर्दा के पट्टी से नोच ले, वैसे ही नोच ले और कुछ नहीं होता। पिछले दो घंटे से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, दो घंटे से मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी फैमिली यहाँ पर आ रहे हैं, एटलीस्ट जो फैमिली वाले उनको कल से छोड़ दो यार, बदमाशी जो कर रहा है उसको, और जिस तरह से पकड़ा जा रहा है ना उनको, जिस तरीके से पकड़ा जा रहा है वो गिर सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, जिस तरह से वो पकड़ा जा रहा है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, 50 रुपए फाइन काटा जा रहा है। जो गलत रहता है उसको नहीं पकड़ा जाता है, जो सही रहता है उसी को पकड़ा जाता है। तो आपने देखा कि कुछ देर पहले यहाँ पर क्या कुछ चल रहा था, आपस में जनता मतलब कि पब्लिक और पुलिस भिड़ती हुई नजर आ रही थी, और मामला था महज डबल हेलमेट का, क्योंकि लोग आरोप है कि यहाँ पॉडी चेकिंग नहीं चलती। वहीं पुलिस वालों का यानी कि ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि चेकिंग तो हमेशा चलती है, लोग आज ज्यादा लापरवाही से निकल रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद। आप ही गया है, चार लोग हमारे आँख के सामने, आपको नहीं पकड़ रहे हैं, जो पैसा दे सकता है उन्हीं को पकड़ रहे हैं, शक्ल देख के पकड़ रहे हैं क्या? जनवरी ना है, ऐसे खर्चा निकलेगा? हेलमेट पहन के चल रहा है, सब चीज ठंडा वंडा का समय है, अपने सब बच करके चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी कुछ नहीं है, अगर हेलमेट लगा के चले और सुरक्षित चले तो इसमें क्या असुविधा है? इतना सारा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो सुरक्षित कहाँ है? सारा दिन का ही नहीं, रोज चेकिंग होता है, रोज पर डे इतना सारा गाड़ी जा रहा है। आप एनएच पे लगाइए तो फिर ठीक रहेगा, यहाँ पे तो लोकल में तो हम लोग तो ऐसे ही निकलेंगे ही, फैमिली के संग जा रहा है, यहाँ पे लफुआ गिरी थोड़ी कर रहा है कि आदमी गाड़ी ऐसे चला रहा है बिना हेलमेट के चला रहा है। एक तो बिना हेलमेट के चलाए तो उसका पूरा चेकिंग कर दे, पूरा सब चीज कर दे, बिना हेलमेट के चले उसका चेकिंग नहीं हो, मनसा क्या है आपका? बिल्कुल नहीं, वो बात हम नहीं करें, आपका भी मनसा हम सरकार तक रखेंगे। पुलिस का टारगेट और गवर्नमेंट का टारगेट अपनी जेब भरने में है। जब ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर आपको बनाना है, बिहार की अच्छी करना हर चीज़, सड़क क्यों नहीं आपका अच्छा है, सड़क पे गड्ढा है, बेवजह जाम लगी रहती है, उसको क्यों नहीं आप हटवाते हैं, स्कूल में क्यों नहीं जाते, स्कूल में डेली चेकिंग करवाइए, सिर्फ पकड़ने के लिए, स्कूल में बच्चों का शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है उसमें चेकिंग करवाइए, अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया जा रहा, लेकिन सरकार का टारगेट है अपना जेब भरना, बस हट जाएंगे।